एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो अगेन मीशो हॉल होने वाला है। एंड आज मैं जो मीशो से प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आउटफिट शेयर कर रही हूँ, उनकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। एंड ये बेस्ट ऑफ दी मीशो आउटफिट्स हैं जिन्हें मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है काफ़ी दिन तक। एंड इनकी वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले शेयर की थी, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। एंड काफ़ी लोगों ने वीडियो नहीं भी देखी है। एंड अगर आप अभी भी परचेज करना चाहते हो, ये अभी भी मीशो पे अवेलेबल है। सभी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेटेस्ट कलेक्शन है। एंड गाइस, सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें परचेज कर सकते हो। एंड मैं इस वीडियो में आपको ट्राई ऑन नहीं दूंगी। ट्राई ऑन के लिए मैंने जिन वीडियो में इन्हें शेयर किया था, उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके इनका ट्राई ऑन चेक कर सकते हैं। एंड जिन्हें नहीं पता है मीशो क्या है, मीशो को कैसे यूज़ करता है, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप बेसिकली पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे घर बैठे या फिर खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोर्स होते हैं। सभी के कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप मीशो पे शॉपिंग करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, या फिर मीशो डाउनलोड करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% या 40% ऑफ मिलेगा। तो आपको मीशो मेरे लिंक से डाउनलोड करना है। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ब्लाउज मैंने मीशो से परचेज किया था, को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये जो इयर रिंग है, ये मैंने सिम से परचेज किए थे, ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मैं शेयर कर रही हूँ बहुत अमेजिंग है। जब मैंने उस टाइम भी आप लोगों को शेयर किया था, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसकी जो क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, जो डिज़ाइन है वो बहुत अमेजिंग है। अभी भी मीशो पे अवेलेबल है, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरीके की आपको ये साड़ी मिल जाएगी। ये पूरी जो है रफल और नेट में साड़ी है, बहुत अमेजिंग साड़ी है ये वाली। आप देख सकते हो इसका कलर, देखो पहले तो ये डस्टी ग्रे कलर में आपको ये साड़ी मिलेगी। कलर बहुत सारे मीशो पे अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर देख के परचेज कर सकते हैं। ब्लाउज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, पूरा सिक्वेंस में पार्टी वियर ब्लाउज है। प्लस साथ में इन्होंने अंदर इनर लगाने के लिए भी दिया हुआ है। तो मैं आपको खोल के बताती हूँ, ये पूरे डस्टी ग्रे कलर, जैसा साड़ी है वैसे कलर पे ही, वैसे कलर के नेट पे ही इन्होंने पूरा सिक्वेंस दिए हुए हैं। अब इतने पार्ट में आपको ये पूरे सिल्वर सिक्वेंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इन्होंने स्टिच किए हुए हैं, बिल्कुल नहीं हटेंगे, बहुत सिल्वर कलर के हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। इस तरीके के ब्लाउज अगर आप स्टिच कराते हो, आप इन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेयर अप कर सकते हो अलग अलग ड्रेस के साथ। एंड ये इतना पार्ट इन्होंने प्लेन दिया है। अब अभी तक मेरे दिमाग में है ना, मेरे माइंड में वो डिज़ाइन है कि मुझे कैसे स्टिच कराना है, लेकिन करा ही नहीं पा रही हूँ। तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो, जैसे भी आप करवाना चाहो, जैसे भी डिज़ाइन में आप स्टिच करवाना चाहो। प्लस साथ में इन्होंने 90 सेंटीमीटर का इसमें अंदर जो लगाने के लिए लाइनिंग भी दी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। पूरी सिल्क की लाइनिंग मिल जाएगी, पूरे डस्टी ग्रे कलर में। यहाँ से ये वाली साड़ी स्टार्ट होती है, पूरे पे इस तरीके के लिए लीव्स का जो पेपर वर्क है वो किया गया है। ये रफल वाली साड़ी है, आपको इस तरीके की ये पूरा आंचल देखने को मिल जाएगा। पूरी पार्टी वियर साड़ी है, बहुत अमेजिंग लगेगी पहनने पे। साइड में मैं प्राइस स्क्रीनशॉट के साथ मेंशन कर दूंगी। एंड ट्राई ऑन इस साड़ी पर आप वीडियो में जाके चेकआउट कीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत अमेजिंग लगी थी पहनने पे ये वाली साड़ी। तो इस तरीके की आपको ये, तो इसका इन्होंने आंचल दिया गया है, फुल इसमें छोटे छोटे ये रफल वाला डिज़ाइन दिया गया है। एंड पूरी साड़ी इस तरीके की आपको मिल जाएगी, प्योर नेट में साड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट नेट इसमें इन्होंने यूज़ किया है। पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल रहती है और पार्टीज वगैरह के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो पूरा ही पेपर वर्क है और एम्ब्रॉयडरी की गई है, बिल्कुल भी आप देख सकते हो। मैंने शायद इसको शेयर किया था 1 मंथ पहले तो किया होगा, लेकिन अभी तक भी मैंने इसे 1-2 बार पहना भी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो उस अकॉर्डिंग साड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। और ये इसका प्लेन वाला जो पार्ट आएगा, ये आपके अंदर की साइड आ जाएगा। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी मिलेगी, 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज मिल जाएगा। ब्लाउज भी काफ़ी डिज़ाइनर है, स्टिच कराने के बाद बहुत अमेजिंग लुक आने वाला है। मैंने यार इसे अभी तक स्टिच ही नहीं कराया, बिकॉज मैं बार बार सोचती हूँ कराने जाऊंगी, पर कोरोना चल रहा है। उस अकॉर्डिंग फिर मैंने इसे और जो ब्लाउज थे मेरे साथ, उसके साथ मैंने पेयर अप कर लिया। लेकिन फाइनली मैं अभी इसे स्टिच तो कराऊंगी ही, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग ब्लाउज है। तो इस तरीके की आपको ये प्योर नेट में साड़ी मिलेगी इन अफोर्डेबल प्राइस, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कलर्स बहुत सारे मीशो पे अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक कुर्ता सेट। एंड इसकी भी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर है, ट्राई ऑन आप वहाँ पे जाके देख लेना।
इसको मैंने आपको काफी बार आपने वीडियो में मुझे देखा भी होगा या फिर मैंने कई बार पहना हुआ है। इसे बहुत ही अमेजिंग सा एक पीच कलर का आपको कुर्ता मिल जाएगा एंड इसमें पूरे में प्रिंट किया गया है, प्लस ये प्लास्टिक मिरर लगाए हुए हैं, राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स है रफल वाली, पूरा रेयॉन की स्ट्रेट कुर्ती मिलेगी। आप देख सकते हो इतना पहनने के बाद भी, वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हो कलर एज इट इज है, डिजाइन पूरा एज इट इज है इसका एंड बैक साइड बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा। तो इस तरीके की ये कुर्ती मिलने वाली है। जो स्कर्ट है और जो ये कुर्ता है दोनों रेयॉन फैब्रिक में है और जो स्कर्ट है आपको पूरी एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाएगी। आप फ्लेयर देख सकते हो काफी अच्छा है, गोटे पत्ती का काम किया गया है प्लस एम्ब्रॉयडरी की गई है। इतना पहनने के बाद भी, वॉश करने के बाद भी क्वालिटी एज इट इज है। इलास्टिक वाली आपको स्कर्ट मिल जाएगी। साइज मैंने इसमें एम परचेस किया था बिकॉज मीशो पे स्मॉल बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो आपको एम से लेकर एक्सल डबल एक्सल तक का साइज मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपको इसमें स्कर्ट मिल जाएगी प्योर रेयॉन फैब्रिक में व्हाइट कलर में। एंड अब जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है मैं ब्लाउज पहनती हूँ तब, तो ये वाला ब्लाउज जो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है ये मैंने मीशो से परचेस किया था एंड ये आपको ग्रे कलर में आपको ये ब्लाउज मिल जाएगा। इस तरीके का ब्लाउज मिल जाएगा, पिक्चर मैं साइड में दे दूंगी। इसका जो पहनने के बाद जो इसका लुक आता है ब्लाउज का, गले पे से यहाँ से नेक पे से बहुत अमेजिंग आता है। पीछे की साइड आप इसे बंद कर सकते हैं। पूरा ब्लाउज का फैब्रिक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर फैब्रिक है। पूरे पे आपको ये जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। कलर्स मीशो पे अवेलेबल है अभी भी, आप जाके चेकआउट कर लो। बैक साइड भी काफ़ी डीप मिलेगा एंड बैक साइड से ये क्लोज होता है। इस तरीके से ये क्लोज होगा, 3 इसमें हुक्स दिए हुए हैं एंड प्लस इसमें स्लीव्स दी हुई है अंदर, जिसे आप अटैच करवा सकते हो। मैं स्लीवलेस पहनना पसंद करती हूँ इसलिए। तो इस तरीके का एक ग्रे कलर का ब्लाउज मिलेगा जो कि काफी ज्यादा क्लासी लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है पहनने के बाद। एंड अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक टी शर्ट। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मीशो पे जो टी शर्ट है वो इतनी सस्ती भी आती है, बहुत कम प्राइस में होती है, लेकिन क्वालिटी कैसे निकलती है। अब आप ये टी शर्ट देखो, मैंने इसे 1 मंथ पहले आपके साथ शेयर किया होगा, लेकिन कितनी अभी भी आप कलर देख सकते हो। 2-3 बार पहन भी ली है, वॉश भी कर ली है, लेकिन एज इट इज़ है, कितनी ज़्यादा क्यूट है। जो ये आपको पूरी टी शर्ट है येलो कलर में मिल जाएगी। प्राइस इसमें जो है मैंने मीडियम साइज परचेज किया है, बहुत अच्छे से आ रहा है मेरे एंड आपको इसमें स्मॉल से लेकर शायद एक्सल डबल एक्सल तक का साइज मीशो पे मिल जाएगा। फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है, वॉश करने के बाद भी आप कलर देख सकते हो एज इट इज है। डिजाइन पैटर्न बिल्कुल सेम है, यहाँ पे प्रिंट बिल्कुल भी नहीं गया है, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी टी शर्ट। और यार इतनी सस्ती मिल रही, शायद 250-300 के अराउंड होगी, मुझे नहीं पता, पर क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मीशो पे काफी सारे मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, ये पूरी पार्टी वेयर ड्रेस है। मैंने इसे अभी तक भी नहीं पहना है, लेकिन बहुत अमेजिंग है, मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ बिकॉज अभी भी मीशो पे अवेलेबल है। इसमें भी कलर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल है। फुल कुर्ती ड्रेस है, पार्टी वियर ये वाली, तो इस तरीके की आपको ये कुर्ती ड्रेस मिलेगी। आप देख सकते हो राउंड नेक है, प्लस इस पे स्टोन लगाए हुए हैं, छोटे वाले जो स्टोन होते हैं ये लगाए हुए हैं एंड ये येलो एंड पूरे जो जितने कलर्स आते हैं उन कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगी कुर्ती ड्रेस है। यहाँ पे आपको ये ऊपर लेयर देखने को मिल जाएगी एंड नीचे की साइड आपको ये इस तरीके का जो इसमें वो गाउन टाइप होती है जो अटैच मिल जाती है, इस तरीके की आपको ये अंदर अटैच मिल जाएगी। प्लस इसमें अंदर की साइड इनर दिया हुआ है, रेयॉन का पूरा आपको इनर देखने को मिल जाएगा अंदर की साइड। तो इस तरीके की ड्रेस है। साइड में आपको यहाँ पे डोरी देखने को मिल जाएगी, मैं साइड में इमेज सबकी लगा दूंगी, ट्राई ऑन आप सबका वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियो का लिंक है, वहां पे जाके आप ट्राई ऑन देखो। स्लीवलेस मिलेगी, स्लीव्स इसमें अंदर की साइड दी हुई है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग अटैच करवा सकते हैं। ये मस्टर्ड कलर की है एंड कलर्स इसमें सभी कुछ मिक्स किया गया है। बेसिकली ये जो है पिंक और मस्टर्ड कलर के कॉम्बिनेशन में है। तो इस तरीके की आपको ये ड्रेस मिल जाएगी। बैक साइड बिल्कुल प्लेन मिलेगा, पूरी फुल लेंथ ड्रेस है। इसमें भी मैंने मीडियम साइज परचेज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग साइड चार्ट देख के परचेज कर सकते हैं। पूरी पार्टी वियर ड्रेस है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीशो से, ये है एक ब्लाउज, ग्रीन कलर का ब्लाउज है। इस तरीके का पूरा स्टोन वर्क का ब्लाउज मिलेगा एंड काफी बार आपने मुझे वीडियो में देखा भी होगा पहने हुए,
बहुत अमेजिंग है, इतनी बार पहन चुकी हूँ फिर भी क्वालिटी आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात है जो इनकी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है, लाइक बिल्कुल जो लेटेस्ट डिज़ाइन आते हैं उस तरीके के डिज़ाइन है। अगर आप स्टिच करवाते हो मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है, प्लस डिज़ाइनर भी है। तो इसका जो फ्रंट पार्ट है वो इस तरीके का है, जो यहाँ पे आता है वो पूरा पार्ट नेट का आएगा, एंड फिर बाकी पूरा ये राउंड नेक का ब्लाउज है। पीछे की साइड से क्लोज होता है, पूरा पार्टी वियर ब्लाउज है। एंड इसकी जो स्लीव्स है आपको इस तरीके की रफल स्लीव्स मिल जाएगी, यहाँ पे इसमें कैन लगाई हुई है जिससे कि ये बिल्कुल ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड रहे, जिससे वो लुक क्रिएट हो, रफल वाला लेयर के ऊपर लेयर वाला जो लुक क्रिएट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कलर ऑप्शन काफ़ी सारे मीशो पे अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक भी स्टोन आप देख सकते हो इसमें से नहीं हटा है, पूरा सिल्क का ब्लाउज है। एंड इसमें साइज आपको मीशो पे मिल जाते हैं, शायद ऐसा होता है 34 से 38 तक साइज में आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे ऑल्टर करा सकते हैं। अंदर की साइड जो है इसमें मार्जिन दिया होता है, तो आप टाइट वगैरह कराना चाहें अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। तो इस तरीके की आपको ये वाला ब्लाउज मिलेगा, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, मीशो पे अभी भी अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल है, इस तरीके की पैकेजिंग में मिली है, एंड बहुत अमेजिंग साड़ी है ये वाली, और इसका फैब्रिक आउटस्टैंडिंग है। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, पूरी स्ट्रैप में मिल जाएगी, यानी कि लाइनिंग में आपको ये पूरी साड़ी मिलेगी, एंड पूरी सिल्क का जो फैब्रिक आता है हैवी वाला, उस फैब्रिक में इन अफोर्डेबल प्राइस शायद 700 के आसपास ये साड़ी है। लेकिन आप इसका कलर देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो इस तरीके का आपको इसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज मिल जाएगा, सिल्क का बिल्कुल प्लेन ब्लाउज है। यहाँ पे इन्होंने ये मिरर वाली जो है रफल वाला डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि बॉर्डर आपके यहाँ पे आएगा। अभी तक मैंने कोरोना में कोई भी ब्लाउज वगैरह स्टिच नहीं करवाए हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि दीदी आपने कैसे डिज़ाइन स्टिच करवाए हैं ब्लाउज के, आप अभी भी शेयर कीजिए, जब कराऊंगी तब शेयर करूंगी, मतलब अभी कोरोना में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये वाले जो है प्लास्टिक मिरर्स इसमें दिए हुए हैं, एंड फिर यहाँ से स्टार्ट होती है ये वाली साड़ी। आप साड़ी देख सकते हो पूरी कलरफुल मल्टी कलर साड़ी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, पूरी लाइनिंग वाले पैटर्न में आपको साड़ी मिल जाएगी, एंड इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सबसे अच्छा बात है फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद, जो बिल्कुल रॉयल वाला फैब्रिक आता है उस तरीके का फैब्रिक है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एंड पूरी साड़ी प्लेन मिल जाएगी, बस नीचे की साइड इन्होंने इस तरीके की इसमें जो है लेस दी हुई है मिरर वाली रफल वाली। एंड यहाँ से इनका जो है आँचल स्टार्ट होता है, आँचल पर आपको चारों तरफ इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रही है। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज मिलेगा, एंड पूरी 5.5 मीटर की ये वाली साड़ी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। एंड सबके कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये डेफिनेटली वो प्रोडक्ट है जिन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, एंड फिर उसके बाद आपको बता रही हूँ, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक ब्लाउज, जिसमें मेरे पास एक व्हाइट कलर का ब्लाउज भी है और इसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज है, इस तरीके का मैंने परचेज किया है। ये पूरा फ्लावर प्रिंट में आपको ब्लाउज मिल जाएगा सिल्क में, एंड पीछे की साइड आप देख सकते हो इस तरीके का डिजाइन इसमें दिया हुआ है डोरी वाला, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड राउंड नेक है, पैडेड ब्लाउज सारे आपको मिलते हैं, पैड आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर करवा सकते हैं। इसमें भी जो है कलर्स काफी सारे अवेलेबल है मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन्होंने साइड में अंदर की साइड जो मार्जिन दिया होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे मतलब फिटिंग करा लीजिए, जैसे भी करा लीजिए, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा ब्लाउज आपको सिल्क में मिलेगा। इसमें मैंने दो कलर परचेज किए थे, एक व्हाइट और एक ब्लैक, ये वो कलर है जो कॉमन कलर्स होते हैं और ये सभी में चल जाते हैं। तो ये फ्लावर प्रिंट का आपको इस तरीके का ब्लाउज मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। फर्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इस तरीके के थ्रेड बैंगल्स हैं। काफ़ी लोगों ने पहले बोला था जब मैंने शेयर किए थे कि ये थ्रेड हट जाते हैं, स्टोन हट जाते हैं, बट आप देख सकते हैं मल्टी कलर बैंगल्स मैंने परचेस किए थे, इस तरीके के बॉक्स में मिले थे, और अब एज इट इज़ है, काफ़ी टाइम से पहन भी रही है मेरी मॉम, लेकिन बिल्कुल भी आप देख सकते हो हटे नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ कलर है ये पूरा, आपको थ्रेड्स में मिल जाते हैं मल्टी कलर, दो दो बैंगल्स आते हैं पर कलर में।
मतलब टोटल मिला के आपको 10 बैंड्रल्स मिलते हैं। हाँ 10 बैंड्रल्स मिलते हैं, काफी रीजनेबल प्राइस में है, बहुत अमेजिंग है, पूरे स्टोन लगाए हुए हैं इनके ऊपर जो कि काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरीके के बैंड्रल्स मिल जाएंगे और ये मतलब आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको आज का ये मीशो हॉल पसंद आया होगा, सभी के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।